डियर माई इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। रही बात तो इन्वायरमेंटल स्टडीज के पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बस आप हमारे चैनल माई इंडिया से जुड़ जाइए। तो आइए, ज़्यादा टाइम लेते हुए वी विल डिस्कस अबाउट वीडियो से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो डी मार दीजिएगा। तो ये सब जो कि 26 जून 2011 का पेपर में आया हुआ है, इसलिए ये रिपीटेड हो सकते हैं। दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने तथा उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, तो बीमार देते बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन की बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए किया जा सकते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं, तो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते। अतः इसे बच्चों में स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है। इसके बाद दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़िया गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है, तो सी मार दीजिएगा। यहाँ पे जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसे श्वसन नली में जमा हो गया हो, तो लकड़ी और गोबर का अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म का प्रयोग करने या जलने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर यह लगातार प्रयोग किया जाए तो यह हमारी श्वसन नली में जम जाता है, जिससे अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ जाता है। दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से उसके श्वसन नली में भी काला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड जम गया होगा। उसके बाद एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपको क्या अपेक्षा रहेंगी, तो सीमा दीजिएगा। उसे ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, तो उसे ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। इसके बाद टिप्पणी दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों को तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया, किसी विद्यालय ने राजस्थान के लिए 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, तो भ्रमण के दौरान बच्चों से निम्न अपेक्षाएँ रहेंगी, कि वे पूरे ध्यान से अवलोकन करें तथा संबंधित स्थानों के बारे में जाने, प्रश्नों के अन्य शिक्षकों और बच्चों के साथ विषय पर चर्चा करें, क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल है। तो रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दिए चित्र के तरीके से ढो दो ढेरियों में अलग करती हैं, तो केले का छिलका के छिलके सूखी पत्तियां। इसके बाद
जैम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो रानी ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया, तो बीमा दीजिएगा। अपघटन होने उसके बाद वाले उसके बाद अपघटित नहीं होने वाले। तो रानी अपने घर का कूड़ा दो ढेरियों के लिए अलग करती है, जिससे वह अपघटित होने वाले जिससे वह अपघटित होने वाले तो अलग करती है ढेरी से अलग कर सके। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियों अवघटित हो सकता है। जैम की बोतल, रास बोतल आदि अवघटित नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो बी मार दीजिए। तो यहाँ पे बी यानी बच्चों को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोपहर के भोजन अवकाश के बाद अगर शिक्षार्थी पर्यावरण में रुचि नहीं लेते तो पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित पाठक पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि का आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो 67 का डी मार दीजिएगा। चिड़िया के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, तो चिड़ियाघर के जानवरों को लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो अगर शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो वह बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। बीज अंकुरण की अवधारणा तो इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो डी मार दीजिएगा। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहा, तो बीज अंकुरण की अवधारणा को बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसके चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों में निष्पादित करके बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे मीरा और दिव्या छोटी लड़कियाँ हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लोहा तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्न बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो मोटापा और एनीमिया। तो मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा और दिव्या के आयरन के कमी वाली चीज़ें, लोहे तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया भी हो सकता है। उसके बाद 70 का नींबू, साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? तो यहाँ पे बी, नमकीन का पानी का घन साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में
तैरता रहता है क्योंकि नमकीन का पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से अधिक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि, तो बीमार दीजिएगा, तो कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं क्योंकि, इसका कारण है कि कम ताप पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। उसके बाद रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। तो रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो मलेरिया होता है। उसके बाद पर्यावरण की कक्षा के अध्ययनों को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना, तो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति की खोजने और कल्पना करने की योग्यताओं का विकास करने में मदद करता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानियों का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति की खोज और कल्पना करने की योग्यताओं का विकास करने में मदद करता है। उसके बाद नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल मिला, तो सुंदर लाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन जो है आपका, यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। इस आंदोलन में स्त्री भारी संख्या में थी। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला। उसके बाद विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, डी मार दीजिएगा, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए ये थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन सत भोजन के अवयव हैं जिसकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ है जो हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर की झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है उन्हें, तो बी मार दीजिएगा, चिकना और साफ बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर, गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। उसके बाद दिया हुआ, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया में यह क्रिया किया जा सकता है वह कहलाती है, तो थ्रेसिंग कहलाती है। तो किसान दानों से भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग करता है, मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग की जाती है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेली शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है, नहीं वाले घेर दीजिए, तो बच्चों के आलोचन चिंतन शक्ति विकसित करना। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेली इसलिए दी जाती है ताकि विद्यार्थियों में जो पाठ पढ़ा है बाद में उस पाठ का पहेली के द्वारा अवलोकन कर सके, इसलिए नहीं होता कि वह विद्यार्थी अभिभूत हो जाए। के बाद 70
9 का यहाँ पे जो कि दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कट है। तो 79 के पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने वाले शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, तो डी मार दीजिएगा। विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुँचाता है। इसके बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, तो ए मार दीजिएगा। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो यहाँ पे ये 26 जून 2011 का ये पेपर है, तो 26 जून 2011 का पेपर है। तो इसके बाद बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक विभिन्न ईंधनों के चित्र दिखाएं तथा उसका उपयोग करना बताएं और एक लघु फिल्म दिखाए। इसके बाद 81 थोड़ा सा और है, घबराइए मत। तो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, तो मान स्थान और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो मानचित्र को पढ़ने के लिए सामान्य विद्यार्थियों में दिशा स्थान दूरी का ज्ञान होना आवश्यक है, तो ए मार दीजिएगा। तो मानचित्र को पढ़ने के लिए सामान्य विद्यार्थियों में दिशा स्थान दूरी की ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की ओर आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों कि, तो यहाँ पे ए मार दीजिएगा। तो आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतत का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। तो पाचन की क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर कष्ट की एनाकाइनोडर्मेटा वंशी जंतु कीट धात और मलस्का सहित फैला हुआ भाग है, जो पाचन नहीं नली का प्रमुख अंग अतः आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्र बढ़ जाता और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। उसके बाद 83 नंबर का पर्यावरण अध्ययन की पाठ में रेल टिकट का एक नमूना दिखाना, तो यहाँ पे बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में रेल टिकट नमूना दिखाने से तात्पर्य बच्चों की वास्तविक जानकारी से अग्रक्रिया करने का अवसर दे ना साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास कर यहाँ पे दिया हुआ करना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे डी मध्य बच्चों का आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली का बोझ ना प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, डी मार दीजिएगा। उसके भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी दिखाई देता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बगुला तो भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है, तो बगुला एक परजीवी है इसलिए वह भैंस की पीठ पर लगे कीटों को अपना भोजन बनाता है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है। 86 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है,
तो ए मार दीजिएगा। विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना तथा बाहरी दुनिया के सामाजिक ज्ञान से जोड़ना है। इसके बाद निष्क्रिय क्वथन उबालना और वाष्पीकरण में अध्ययन, तो सी मार दीजिएगा। वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता परंतु क्वथन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो सकता है। तो एक पुरुष ओ का रक्त ओ है और ए रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होना संभव है, तो 50%। क्यों? तो क्योंकि ओ और ए से शादी करने के बाद पहले यहाँ पे पहले बच्चे दोनों में से किसी भी रक्त समूह, तो 50-50% चाहे ओ हो जाए चाहे ए हो जाए, चाहे ओ या ए, तो इसलिए 50% होने संभावित है, 50-50% दोनों में से। तो टूटता हुआ उल्का है, तो यहाँ पे टूटता हुआ उल्का उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करने की आग पकड़ लेता है। टूटता हुआ तारा एक प्रकार का पिंड है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल प्रवेश करता है और वायु के घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। लास्ट क्वेश्चन, तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, तो बी मार दीजिएगा। शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके के से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, तो शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो आज के लिए इतना ही। 26 जून 2011 का पेपर था, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो हमारे चैनल माई इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।